अंगूरी जी, बहुत बोरियत से नहीं हो रही है आपको भी? कहा बताएं अनीता जी, बहुत ही ज्यादा बोर फील हुआ कर रहे हैं हम। जब से वो देखे ना खीरा मंडी फिल्म, तब से तो मत ही पूछिए, हम उनको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। मोहतरमा, हम भी तो बहुत मिस कर रहे हैं। सॉरी। अरे हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि आगे का कार्यक्रम कैसे देखे, वो बुढ़ऊ तो निकल लिया। अनीता मिश्रा का घर यही है। जोरावर तुम? जोरावर? अरे मेरा नाम बिल्लू है। हाँ हाँ, अनीता मिश्रा का घर यही है, कहिए क्या बात है। आपका एक पार्सल आया है। अरे यार, इतना बड़ा पार्सल, काफी हैवी भी है, किसने भेजा होगा, क्या होगा इसमें? ओपन करो। पार्सल खोलिए ना। हमको तो लगता है इसमें कोनो बम बम ना आई है, होता तो फट जाता ना अभी तक। एग्जैक्टली। अरे एक मिनट, इसमें एक लेटर है, अभी तक तो ध्यान ही नहीं दिया था मैंने। विभू पढ़ दो जरा। तुम चारों के चारों बहुत बड़े डरपोक हो। अरे मूर्खों, मैं अनोखे लाल का चाचा हूँ, ये मेरी अमानत मैं तुम लोगों के पास छोड़कर जा रहा हूँ। वो कमबख्त चाइनीज मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, मैं किसी भी कीमत पर ये इन्वेंशन उनके हाथ नहीं लगने देना चाहता। तुम इसका ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखोगे, वादा करो। ठीक है, किया वादा, किया। एक नहीं, सारे के सारे मिलके वादा करो। हम वादा करते हैं कि हम इस चीज का जान से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। अब तुम इस टेलीस्कोप के जरिए दूसरी दुनिया में जा सकते हो। तू हमें जो बता, तू लगान देगो के नहीं देगो? अच्छा, तो हमारी बात कान खोल के सुन ले। तू क्या, तेरो बाप भी लगान देगो? अगर तू लगान नहीं देगो तो सौठैया कोरे खाएगो, और अगर लगान देगो तो पकौड़े खाएगो, और हमसे ज्यादा मुंह चलाएगो तो हथौड़े खाएगो। दी को लट। हमें तो अपनी आंखन पे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि बेगम अंजुमन स्वयं चल के हमारे पास आ गई। हम क्या कहें जेलर साहब, हम बहुत कश्मकश में। आंसू पोछ लो। शुक्रिया। अब एक उठैया आंसू ना टपकाओ और हमें खुल के बचाओ, तुम्हें काऊ ने छेड़ दो। नहीं नहीं जेलर साहब, हमें किसी ने नहीं छेड़ा है। तो फिर ऐसा का हो गो तो बेगम अंजुमन स्वयं चल के हमारे पास किसी चली आई? जेलर साहब, आपने नवाब बैलुद्दीन कबाड़ी का नाम तो सुना होगा ना? हाओ हाओ हाओ, वो कबाड़ी बालो ना जो तुम आओ आशिक है गो। हमारे आशिक तो पूरे खीरा मंडी में भरे पड़े हैं। आप भी तो हमारे आशिक हैं। हाओ हाओ हाओ, हम तो तुम्हारे बड़े वाले आशिक हैंगे। तुम हमें जो बताओ, प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम जे हैगी। क्या हैगी? कि जेलर साहब, हमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। कैसो महसूस हो रहा है गो? ऐसा महसूस हो रहा है। कैसो महसूस हो रहा हो? कि नवाब बैलुद्दीन की जान को खतरा है। हमारे तुम्हारे बीच में जो बैलुद्दीन कैसे घुस गो? जेलर साहब, हम बेगम अंजुमन समझ गए बैलुद्दीन की जान को कचरो है गो, पर जो नहीं समझ पा रहे कि बैलुद्दीन की जान को कौन से कचरो है गो, उनकी जान कौन लेनू चाह रहो? जेलर साहब, अभी हमें कैसे पता होगा? ये पता लगाना तो आप जैसे होशियार होनहार
काबिल। बस बस बस, आप जो समझो हमने पता कर लो। हम जल्दी से जल्दी पता लगाएंगे बेगम अंजुमन, टेंशन ना लियो। अगर आपने कातिल का पता लगा लिया तो जेलर साहब, तो आपके लिए, हमारे लिए खीरा मंडी में खास मुजरा पेश होगा। जो समझो हमने पता कर लो। तो आधे खीरे में निकल ली। खजेड़ुद्दीन बेगम साहब, जरा देखिए तो नवाब साहब की कहीं सांसें वांसें चल तो नहीं रही हैं। अभी देखते हैं। नहीं बेगम साहिबा, नवाब साहब की सांसें और रूह दोनों बेवफा हो गई इनसे। ए, तुमने बहुत अच्छा किया खजेड़ुद्दीन, ये तुम्हारा एहसान हम कैसे भूलेंगे। ये कैसी बातें कर रही हैं बेगम साहिबा, हम तो दोनों एक ही पार्टी के हैं, आप तो निकाह पढ़ने वाली हैं ना हमारे साथ। हाँ 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 मुआ, ये दिमाग भी वो क्या है ना कि हम इतने खुश हैं कि कुछ का कुछ हमारे मुंह से निकल रहा है, हम तो एक ही हैं, एक ही पार्टी में हैं। इस बेवफा की लाश को ढकने के लिए हम चादर लाते हैं। खजेड़ुद्दीन जरा नवाब साहब का ख्याल रखिएगा। माफ कीजिएगा नवाब साहब, हमने आपको मार दिया, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। अगर आपको जिंदा छोड़ देते तो आप बहुत बड़ा खतरा थे हमारे लिए। अब हम और आपकी बेगम, नहीं हमारी बेगम, ऐश करेंगे आपके पैसों पे और इश करेंगे आपके पैसों पे। अरे भाई, तुम किथे जा रही होगी? नहीं साहब, आप जाको देख के हमें लग रहो तुम्हारे गुर्दन में बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। हमारे आने से पहले ही तुमने जाको टपका जाओ। मैंने नहीं टपकाया इनको जेलर साहब, मैंने नहीं टपकाया। अच्छा तो फिर जो कल लेटो लेटो इतने शवासन कर रहे है गो। जेलर साहब मुआ भी जाऊंगा, ये तो मेरे आने से पहले शवासन में लेटे हुए थे। मैं आया यहाँ पे अपने खीरे बेचने के लिए, देखा तो नवाब साहब के खीरे पहले से बिके हुए हैं। इसने मुझे जहरीला खीरे खिलाए, इसे छोड़ना मत, इसके सारे खीरे काट देना।